और यहाँ पर देखिए घोड़े जय माता दी भक्तों। और हम आ चुके हैं आपको एक नई जानकारी के लिए। देखिए वैष्णो देवी पर जो हड़ताल चल रही थी वो हड़ताल अब शुरू दोबारा हो गई है, होने वाली है। उनमें दो लोगों की गिरफ्तारी हो चुकी है, मगर वो दो लोग जो थे वो क्या नाम है वहाँ के ही कमिश्नर हैं, उन्होंने छुटा दिया है। और बोल रहे हैं कि जिन लोगों ने पुलिस वालों पे क्या नाम है पथराव करता उन्हें गिरफ्तारी अपने आप ही सरेंडर कर दें, तो मगर अभी वो नहीं कर रहे हैं। तो देखिए यात्रा पे तो कोई फर्क पड़ने वाला नहीं है, यात्रा संचारी रूप से चलती रहेगी। और ये कटरा रेलवे स्टेशन था, अगर आप चाहें तो यहाँ पर भी यात्रा कार्ड बनता है, तो आप वहाँ से भी यात्रा कार्ड बनवा सकते हैं। तो देखिए हम ट्रैक पे हैं, ट्रैक पे भी अच्छी खासी भीड़ चल रही है, और दिन में आज धूप निकली हुई है और नॉर्मल टेम्परेचर जो 15 डिग्री तापमान चल रहा है, मगर रात के समय पर तापमान गिर जाएगा, क्योंकि जब हमारे यहाँ पर ही ज़्यादा मतलब कि ठंड है तो वहाँ पे भी जो रात का जो तापमान है वो 10 से और 5 डिग्री तक तापमान चला जाता है। तो आप लगा सकते हैं वहाँ पर कितनी ठंड है। तो मेरा यही अनुरोध है कि आप जो भी है यात्री जा रहे हैं यात्रा ट्रैक पे, जल्दी से जल्दी अगर आपके पास में रुकने का क्या नाम है अगर मतलब कि सुविधा नहीं है या रूम वगैरह नहीं कर अपना क्या नाम है कर रखा, तो आप जल्दी से जल्दी आप क्या नाम है ऊपर भवन पे पहुंच जाइए। और भवन पर पहुंचने के बाद मर आप वहां पर धर्मशाला है, आप वहां पर धर्मशाला में रुक जाइए। सिर्फ एक वो ही आपके सामने ऑप्शन रहता है, वो धर्मशाला है, धर्मशाला वहां पर खुल जाती है, तो आप वहीं पे ही रुक सकते हैं, और कोई चारा नहीं है। या फिर आप क्या नाम है ऑनलाइन बुकिंग करवा लीजिए या वहाँ पर जाकर आप क्या नाम है रूम ले लीजिए, क्योंकि रात के समय पर अगर आप ये सोचते हैं कि नहीं ठंड नहीं लगने की, तो देखिए ठंड लग रही है। आप हमारे सामने देख सकते हैं ये माता जी हैं, इन्होंने सोल ओढ़ रखा है, और दिन में ही अभी 10-11 बजे का टाइम है, इतनी धूप है फिर भी ठंड लग रही है। सब देखिए जैकेट वगैरह, जिन्हें नहीं ठंड लग रही वो ऐसे ही जा रहे हैं, जिन्हें ठंड लग रही है वो जैकेट पहन के जा रहे हैं। तो आप देख सकते हैं हम आ चुके हैं हदकुआरी पर, हदकुआरी पे भी आप देख सकते हैं ये आस्था चैनल वाले हैं, इनके ही बगल में आप देख सकते हैं सब क्या नाम है चादर और जर्सी पहन कर बैठे हुए हैं। तो देख लीजिए कितनी ठंड है, और आप देखिए ट्रैक पे भी सबन ने कहना मैं जर्सी वगैरह पहन रखी है, काफी ठंड हो चुकी है। और रोबे बैटरी और पिट्ठू घोड़ा पालकी वाले अभी इस टाइम तो चल रहे हैं, संचालित रूप से यात्रा चल रही है, बाकी के हड़ताल बहुत जल्दी हो जाएगी। ये हड़ताल करने वाले हैं ये नहीं मान रहे कि हम रोबे नहीं बने देंगे। तो देखिए बैटरी कार ये खड़ी है जो आपके अधकुवारी से भवन तलक के लिए आती है, और ये यहीं तलक आती है, उससे आगे आपको पैदल जाना होता है, क्योंकि ये यहीं पे आकर खड़ी हो जाती है, यहीं पे से ही आपको उतार देते हैं और फिर आपको आगे के लिए पैदल ही जाना होता है। तो आगे भवन आप देख सकते हैं ये खड़ी बैटरी कार, और बैटरी कार भी चल रही है, और रोबे भी चल रहा है, रोबे का भी ऐसा नहीं है रोबे नहीं चल रहा, रोबे भी चल रहा है। और हम आ चुके हैं भैरवनाथ पर, अब भैरवनाथ पर भी आप देख सकते हैं अच्छी खासी भीड़ बनी हुई है, काफी श्रद्धालु जा रहे हैं, श्रद्धालुओं की यात्रा में कोई कमी नहीं है और किसी तरीके की कोई बाधा नहीं है, उनकी अपनी हड़ताल है। बस इस चीज हड़ताल में सिर्फ आपको पिट्ठू पालकी घोड़े की सुविधा नहीं मिल पाएगी, बाकी की आपको सारी सुविधा मिल जाएंगी। और जो क्या नाम है ट्रैक पे जो वो हैं दुकानें, सिर्फ वो दुकानें बंद रहेंगी, बाकी के अधकुआरी के बाद में आपको दुकानें भी खुली हुई मिल जाएंगी। तो आपको अगर यात्रा करने जाना है तो आप अपने साथ में गर्म कपड़े कैरी करके ले जाइए, जिससे कि यात्रा में आपको किसी तरीके की कोई प्रॉब्लम ना आए। तो यही हमारा आपसे मोटिवेट है कि आप क्या नाम है
अब जब भी जाएं तो आप अपने साथ में गर्म कपड़े, शॉल वगैरह लेके जाएं, और जल्दी से जल्दी अगर आप वहाँ रुकना चाहते हैं तो भवन पर धर्मशाला है, आप वहाँ रुकने की कोशिश करिए, बाकी के आप कहीं नहीं रुके क्योंकि काफ़ी ठंड बढ़ चुकी है माता वैष्णो देवी पर। तो हमें आपको हमारी वीडियो कैसी लगती है, प्लीज़ अगर आप नए हैं हमारे चैनल पे तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, और अगर आप हमारे चैनल से पहले से जुड़े हुए हैं तो जय माता दी, मुझे दीजिए इजाज़त, मिलते हैं नेक्स्ट।